हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अपने प्रेम अपनी करुणा अपनी दया में बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम सभी भाई और बहनें मिलकर आपके नाम में स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज हम आपने हमें एक नया दिन दिया, नया जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह। ये दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने जीवन से आपके जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम सभी भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं। प्रभु हम सब आप अपनी उपस्थिति से भर दे, हम आपके वचन में दृढ़ रहें स्थिर रहें, आपके वचन के माध्यम के द्वारा हम आपसे बात कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि अपनी समझ से परिपूर्ण कर प्रभु यीशु मसीह। आप जितने भाई और बहनों प्रभु हर जगह हर समय सब प्रभु जो आपसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, आप उनकी सुधि ले, आप अपनी स्थिति से उनको भर दे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने हमें आज चुना है प्रभु यीशु मसीह, हमें इस लायक बनाया प्रभु कि हम आज आपके नाम में स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम सब भाई और बहनें मिलके प्रभु आप में बने रहते हैं। हाँ प्रभु, हमारा आशीष आपके अलावा कोई नहीं दे सकता प्रभु, हमें चैन और सुकून सिर्फ आपसे मिलता है खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा और दया से दीन होकर प्रभु यीशु मसीह, हम हीन और दीन अपने हृदय को प्रभु टूटा मन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। हम आपके मार्गदर्शन और शक्ति की खोज में करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपके खोज में बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के द्वारा हम आप में बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम सदा आप में बने रहें, हर कठिन परिस्थितियों में भी हम आपके प्रति वफादार बने रहें, हमारी मदद करें हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें दृढ़ करें, जिस प्रकार से आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदय को नम्र और विनम्र बनाते हैं प्रभु, मन की कठोरता को ख़त्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप जो पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सब उन शब्दों को सुनते हैं, उनको बातों पर हम ध्यान देते हैं प्रभु, इसलिए हमारा मन कठोर ना हो ताकि हम आपके शब्द सुन न सके प्रभु। हमारा मन बिल्कुल प्रेम से भरा है प्रभु, हमारे अंदर के क्रोध को ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हमें क्रोध ना हो, हमारा मन स्थिर रहे, हमारे मन को कठोर ख़त्म करें और आपके शब्द आपके वचन आपके पवित्र आत्मा का वचन हम सुन सके, आवाज़ को ग्रहण कर सके। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि हम सर्वदा आपकी बातें सुने, अपने मनों में आपके विरुद्ध कोई कठोर काम ना करें, हमारा हृदय ऐसा हो कोमल कि प्रभु हम आपके मन को जान सकें, आपके वचन को प्रभु ग्रहण कर सकें। हाँ प्रभु, आपके शब्द को हम सुन के उसकी ओर अपने ध्यान लगाएं। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में प्रभु यीशु मसीह, आपके शब्द कहीं खो न जाए, हम आपके वचन में कहीं अलग न हो जाए प्रभु, हमें संभालें, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि हम पाप के धोखे से बचे रहें, हम पाप में ना पड़े प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें कि हम बुरे कामों में ना लिप्त हों, हम बुरे काम को प्रभु ग्रहण ना करें प्रभु यीशु मसीह, हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता में दृढ़ बने रहें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रतिदिन एक दूसरे को उपदेश देने का साहस कर सकें, जैसा प्रभु इब्रानियों के पत्री में लिखा है कि एक दूसरे को अपने प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करें। आमीन हालेलुया। प्रभु हमें शक्ति दे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, हमें बल दे प्रभु कि हम सब एक दूसरे को उपदेश देते रहें और उनके विश्वास को
दृढ़ करते रहें, एक दूसरे का हाथ थामे रहें, एक दूसरे का सहायता मदद करते रहें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम मसीही को और आगे बढ़ा सकें, अपने जीवन को आप में हम लीन कर सकें। प्रभु प्रभु हम पे मदद करें, अपना अनुग्रह बरसाएं। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। आपका वचन जो कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, और ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हाँ हालेलुया प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमारे मन को अविश्वास तत्वों से दूर किया है, अविश्वासी नहीं प्रभु, बिल्कुल हम विश्वासी के रूप में बने रहे प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में जाने कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, कठिन परिस्थितियाँ आएंगी प्रभु, जहाँ हम प्रभु आपसे अलगाव की भी परिस्थितियाँ आएंगे, लेकिन हमें दृढ़ कर प्रभु यीशु मसीह, हमें ऐसा हृदय दे प्रभु यीशु मसीह कि हम कठोर ना बने प्रभु, और आपके प्रेम और आपकी करुणा दया में हम आप में बने रहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु, बल दे प्रभु यीशु मसीह कि हर परिस्थितियों में, चाहे वो हमारी बीमारी की परिस्थितियाँ हो, चाहे हमारी कर्जों का परिस्थितियाँ हो, ऐसे सारे परिस्थितियों में हम आपके संग बने रहें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे परिस्थितियों को जानते हैं। आज हम प्रभु जो भी आपसे प्रार्थना निवेदन में मांगते हैं खुदावन, हम सब भाई और बहनों पे प्रभु अपना अनुग्रह प्रकट करें, और अपनी आशीष और बरकत से भर के हमारे प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में मांगते हैं। हाँ प्रभु, जाने कैसी परिस्थितियाँ हो, हर घड़ी हम सब आप में हो प्रभु, चाहे हम असफलता में हो, चाहे प्रभु हम घटी कमी में हो, लेकिन हम आप में बने हो। लेकिन आपका वचन कहता है कि हम अपने भाई और बहनों को किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हाँ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, हमें हर घड़ी हर समय प्रभु आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हमें अपने संग संग बनाए रखे प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस एक ऐसी व्यक्ति का उदाहरण है प्रभु, जो सताव और कठिनाई के बावजूद भी आपके प्रति विश्वास योग बना रहा, प्रभु के प्रति विश्वास योग बना रहा। उस प्रेरित पौलुस ने प्रभु जाने कितनी कठिनाई सही, कितने सताव सहे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपके प्रति विश्वास बना रहा। उसने अपने विश्वास के लिए कैद किया गया, पीटा गया और पत्थर मारे गए, लेकिन वह कभी भी मसीह के प्रति अपनी भक्ति से नहीं डगमगाया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि आपका वचन कहता है, परंतु जो कुछ मेरे लाभ का था उसे अब मैं मसीह के कारण हानि समझता हूँ, और तो और अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों की हानि को समझता हूँ, इसलिए जिसके खातिर मैंने सब कुछ खो दिया। हमें भी प्रभु मसीह के प्रति ऐसा ही हमें प्रभु मन बनाए रखना है, हमें भक्ति ऐसी रखनी है, और उन्हें जानने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह। हमें इसलिए दृढ़ कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर चाहे जितनी परेशानियां हो, चाहे हम बीमारी से गुजरे हो, चाहे हर प्रकार के परेशानियों से गुजरे हो, चाहे कितने भी कठिनाइयाँ हो, किंतु प्रभु इसके बावजूद भी हमारा आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहे, हमारा मन आप में दृढ़ हो प्रभु यीशु मसीह। हम अविश्वास में ना पड़े प्रभु यीशु मसीह, हम बुराई में नहीं पड़े प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु हर प्रकार हर घड़ी हर समय आप में बने रहें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। हमें शक्ति सामर्थ्य भर दे प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने सामर्थ्य भर दे प्रभु यीशु मसीह। हम आपके अचूक प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सदा आपके प्रति वफादार बने रहें, और आपकी महिमा और बड़ाई हम करते रहें। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं,
कि हमारे अविश्वास के जितने भी कारण हैं, परिणाम है, उन्हें दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह। हमें शक्ति दे प्रभु कि हम अविश्वास और अवज्ञा से दूर रहें, ठीक वैसे ही जैसे इजरायली अपने अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करने में असमर्थ थे। प्रभु हमें ऐसा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास ऐसा बने रहे प्रभु यीशु मसीह कि हम सदा आपने बने रहे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।